बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गली क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के तहत हम फिर से हाजिर हैं। बरतानवी टीम का दौरा, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जायज़ा, वफद पाकिस्तान पहुंच गया। हरभजन सिंह रुकने पार्लियामेंट बन गए। राज्यसभा के मेंबर का हलफ उठा लिया। ज़िमनी इंतखाबात, शाहिद फरीदी ने भी पैगाम जारी कर दिया। गोल्ड टेस्ट तीसरे रोज़ के अख्ताम पर, श्रीलंका को 9 विकेटों के नुकसान पर 333 रन की बढ़तरी। तफसील जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दौरे के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का वफद पाकिस्तान पहुंच चुका है और ज़राए के मुताबिक 4 रुकनी वफद में प्लेयर एसोसिएशन, सिक्योरिटी और क्रिकेट ऑप्शंस के मेंबर शामिल हैं, जो कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी का दौरा करेंगे। पाकिस्तान में सीरीज से कबल इंतजाम का जायज़ा लेंगे। कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हकाम ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वफद का इस्लामाबाद पहुंचने पर इस्तकबाल किया। के मुताबिक इंग्लिश टीम रवां साल T20 वर्ल्ड कप से कबल 7 T20 मैचेस और बाद में 3 टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान आएगी। ज़राए का कहना है कि T20 मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज़ कराची, लाहौर में हो सकते हैं। 2 वेन्यूज़ की सूरत में 4 T20 कराची जबकि 3 लाहौर में खेले जाएंगे। एक और न्यूज़ में हरभजन सिंह ने हलफ उठा लिया और रुकने पार्लियामेंट बन गए हैं। राज्यसभा ईवाने बाला के मेंबर की हैसियत से हलफ उठा लिया। हिंदुस्तान टाइम के मुताबिक हरभजन सिंह ने भारतीय पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के पहले रोज़ हलफ उठाया। उनके अलावा तकरीबन 25 मजीद अरकान ने भी राज्यसभा का हलफ उठा लिया। हरभजन सिंह ने अपनी हलफ बर्दारी की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने नौइन के तहफ़ और कानून की बाला तस्ती और ईवान के विकार के तहफ़ का हलफ उठाया है। इन्हें आम आदमी पार्टी ने मार्च 2022 में रियासत पंजाब से राज्यसभा का उम्मीदवार नामजद किया था। इन्हें मुंतखब तौर पर इस नशिस्त के लिए मुंतखब किया गया है। एक और न्यूज़ में गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में होने वाले 20 नशिस्तों के ज़मीनी इंतखाबात ने इतिहादी हुकूमत को शदीद झटका पहुँचाया है, जिसमें तरीके इंसाफ ने 15 कामयाबियाँ समेटी जबकि नून लीग ने 4 समेटी। इसके ही सूरत हाल पर कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद फरीदी का भी बयान जारी हो गया। शाहिद फरीदी ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा कि ज़मीनी इंतखाबात के नतज से यह साबित किया है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत से वाबस्ता है, काबिल एहतराम है और हर शख्स जो अपने हक के रायदही से कारोबार हुकूमत में अपना हिस्सा डालता है और जमहूरियत के निज़ाम को आगे बढ़ाता है। दूसरी जानिब गोल्ड टेस्ट तीसरे रोज़ के इख्तिताम पर श्रीलंका ने 9 विकेटों पर 333 रन की बढ़तरी हासिल कर ली। दूसरी इनिंग्स में श्रीलंका के ओपनर दिमोथ कोरोंतने ने 16, साथी ओपनर ओशादा ने 64, टॉप ऑर्डर कासिम जिंता ने 7, खुशहाल मेंदस ने 76, एंजलो मैथ्यूज ने 2, धनंजय ने 20, नुशोर्स ने 12, रमेश ने 22, महेश ने 11 रन बनाए। दिनेश चंदीपाल 86 और बर्थने जसूरिया 4 रन के और जसूरिया 4 रन के साथ ग्रीस पर मौजूद हैं। इससे कबल श्रीलंका की टीम 222 रन के जवाब में पाकिस्तान ने 218 रन पर आउट हो गई। पाकिस्तान बाबर आजम के अलावा कोई भी खिलाड़ी खातर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सका। दूसरी इनिंग्स में मोहम्मद नवाज़ ने 5, यासिर शाह ने 3, हसन अली ने 1 विकेट हासिल की हुई है। अभी कल का खेल बाकी है, तो देखते हैं पाकिस्तानी टीम कहां तक अपनी जिम्मेदारियां निभाती है और किस तरह अपने खिलाड़ियों को आगे लेके चलती है। तो हाँ, किस तरह की ये वीडियो लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।